खबरों में बात करते हैं जनपद उन्नाव की, जहां आज प्रमुख सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन एवं खनन अधिकारी श्रीमती बीना कुमारी मीना के विकासखंड नवाबगंज अशोहता सहित कई जगहों पर साफ सफाई विकास कार्यों की सीधा विभाग का निरीक्षण किया। वहीं नोडल अधिकारी ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया गया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कन्या सुमंगला योजना चल रही है, किस प्रकार की योजना है और किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंच रहा है? ये भी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुमंगला योजना के शुभारंभ 11 अगले महीने 11 को शुरू हुई है और ये ऑनलाइन चल रही है और उत्तर प्रदेश भर में तीसरा स्थान ये उन्नाव में 16,466 आवेदन हो चुके हैं और अभी मतलब तीसरा स्थान हमारा ये उन्नाव में हुआ है। इतने आवेदन हो चुके हैं। ये हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने जो योजना निकाली है कन्याओं के लिए निकाली है, बहुत अच्छी निकाली है कि जब पैदा होगी तो 1,000, उसके बाद टीकाकरण होगा तो ऐसे, फिर 9th में जाएगी तो 3,000, इस तरह के बच्चों को मिलता रहेगा कि उनके उसके पढ़ाई के लिए। अब इस तरह की योजना बहुत सारी हमारी सरकार निकाल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निकाला है जल्दी से। और मेरे अलावा उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान यहाँ पर मिला हुआ है, इसमें इतने आवेदन ऑनलाइन हुए हैं और आगे भी इसके हो रहे हैं। और अपना मीडिया बंधुओं से प्रार्थना भी है कि आप लोग भी थोड़ा इसको पहुँचाएँ और थोड़ा आगे बढ़े, काम इससे चलता रहे। किस तरीके से लोगों को फ़ायदा मिलता है इसमें, क्या प्रक्रिया है ऑनलाइन करने की? ऑनलाइन वो अपना फॉर्म जाते हैं, वो भरते हैं ऑनलाइन और वो उनके द्वारा पहुँचता रहता है और उनके सब अकाउंट में इस तरह से पैसा पहुँचेगा, माँ के अकाउंट में पहुँचेगा, बेटी का है तो बेटी पहुँच जाएगा, छोटी बेटी तो उनके टीकाकरण समय जाएंगे तो समय उनके उसमें पहुँच जाएगा, ये उनको मिलता रहेगा लाभ। मैडम महिला आई से बड़ी कार्रवाई की गई है जनपद में, कुछ ऐसे मामले आपको संज्ञान में आए जिनमें बड़ी कार्रवाई की गई? हाँ, समस्याएं ज़्यादातर वो महिला और पुरुष को लेकर के पारिवारिक समस्याएँ ज़्यादातर आई हैं उन्नाव जिले में कि आपस में तकरार और दोनों में अभी तक वो हो रहा है, इस तरह से काम इस तरह से ज़्यादा केस यहाँ उन्नाव जिले में जब आती हूँ तो इस तरह के केस ज़्यादा आते हैं। आज भी आज कुछ मामलों की सुनवाई आपने की है, कौन से मामले थे? बस दो मामले थे, वो मैंने बताया ना कि MBA के लेकर के एक महिला आई थी कि वो काफ़ी दिन से मेरा पैसा वहाँ भी फंसा हुआ है, मुझे वो नहीं दे रहे, मार्कशीट नहीं दे रहे, और एक लड़की के क्लास स्कूल से निकाल दिया गया है, प्रिंसिपल ने वो डाटा वाटा करके उसका नाम काट दिया गया, उसको तुरंत लिख दिया कि तुरंत उसकी कार्रवाई, उसका एडमिशन हो जाए वहाँ पर, और अभी केस आने वाले हैं।